सभी भाई सर वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। 500 का कौन है? 500 का ढेर सारा। 500 का पौना थे मेरे को तो टैंकी फुल करानी थी उन्होंने। नहीं 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 तेल तू ही पौना ये वेपर मारेंगे। भाई वो कारीगर है ये वो पाइप है जितना पेट्रोल। नहीं नहीं ताड़ी का है तो ही सफाई करो पंप दी तो निकलने वाली। सभी भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हुई। तो उन्हें 1000 दे के जाना जी। 1000 देना मैं अपने भरा दी पत्थरी कढ़ाने। पत्थरी निकल आई है पई है। समी भाई मैंने आपको एक शेर डेडिकेट करना था सर प्लीज। लेकिन आपको देखा और मेरे जहन में गाना आ गया। मैं वो आपकी नजर करना चाहूंगा बल्कि सब मेरे साथ इत्तेफाक भी करेंगे। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। माजमालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं लूट लेते हैं लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर ओ इनकी चालों से अल्लाह बचाए। दोस्त ने पिस्तौल गिफ्ट किया घोड़े तो बगैर इन्हें बेचारे ने फिर कुत्ता पवा लिया हूं जिन्हों गोली मार देना बिचो बहुत जो गोलियां मुक जाएंगी फिर आवाज आती। दुश्मनदार बंदा केड़ा कुत्ता असला रखे। हमी साहब ने कल जूतियों वाली दुकान से मार खा ली। क्यों? ये जूती लेने गए हैं। इन्होंने सेलमैन से कहा कोई प्यारी सी जूती तो दिखाओ। उन्होंने कहा सर पहले पाँव तो दिखाएं। ऊपर खड़े होकर कहते हैं चल लाहा डेक। सभी भाई अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर आपको दिलो जान से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुज़ाकरात में तशरीफ लाए। मैं आपको आपके भाई को आप सबको बड़ी करीब से जानता हूं। एक लड़का मियां वाली से जिसका ताल्लुक, उस घर से एक लड़का जिसके बैकग्राउंड में कोई अदाकार नहीं है, जिसके बैकग्राउंड में कोई गुलूकार नहीं है, शोबिस से दूर दूर तक शायद ताल्लुकात भी नहीं है, नहीं कोई भी नहीं था। मेरे जर्नी को छोड़ें, ये हीरो कैसे यहां तक पहुंचा? मुझे याद है कि जिंदगी में जैसे जैसे वक्त गुजरा है ना, एक चीज सीखी है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें खुद प्लानिंग करने की कुछ करने की, होता हुआ जो अलग ही मर्जी होती है। तो मेरा यही था कि फैमिली में कोई भी नहीं था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो घर वालों की तवक्कुआत कुछ और थी मेरे से। क्या चाहते थे? वो यही थे कि जिस तरह तैफूर से बड़े बड़े शहरयार हैं वो अमेरिका में पढ़ने के लिए चले गए थे, वहीं सेटल्ड हैं, तो उनका था कि तुम भी इंजीनियरिंग करो और पढ़ने के लिए बाहर चले जाओ। अच्छा। तो उनके लिए बड़ा एक शौक था कि जब मैंने कहा था कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मुखालफत भी देखी। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको लगता है कि सब कुछ बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं होता। मसलन पहली फिल्म जब सलाखें मुझे मिली तो मैं अपने फाइनल ईयर के 3 पेपर्स छोड़ के शूटिंग के लिए गया। मैंने अपने अब्बा को नहीं बताया, अम्मा को बताया कि मैं शूटिंग करने वहां जा रहा हूँ और अब्बू को बताया कि हॉस्टल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग की वो एक था, फिर वापस आया किस तरह पता चला। और मुझे याद है मैंने अब्बा से पॉकेट मनी मांगी थी ना, तो उन्होंने कहा था क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी एक्टिंग, खुद करो जो कर रहे हो। कहते पढ़ने जाना है, ये लो पैसे जाओ बाहर पढ़ने के लिए जाओ। पहला ड्रामा, मैं अपने दोस्तों का नाम लूंगा, अली बसरा मेरा दोस्त था, तो उसका मेरा साइज सेम था। स्टूडेंट के पास कितने कोट होते हैं मुझे पता है, स्टूडेंट लाइफ में आप सब बैठे हैं कितने कोट होंगे एक बंदे के पास, एक या दो शादियों में पहनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा एक या दो, वो भी अब आप पहले नहीं होते तो शादियों पे भी उसी तरह चले जाते थे। तो मुझे याद है मेरे पास एक दो सूट था, ड्रामा मिल गया पहला, उसके अंदर कपड़े चाहिए ढेर सारे, पैसे है नहीं, करें क्या यार। तो फिर अली से मैंने सूट उधार लिए थे, मैंने कहा था भाई तेरा मेरा साइज सेम है सूट दे। अली थैंक यू यार ब्रो, आपने हमारे पाकिस्तान को
एक इतने बड़े एक्टर मिलने में मदद की है, तो अब जानी सूट वूट चाहिए हो तो बताना बढ़िया। आपका एक ड्रामा था जो आज से मुझे जहां तक लगता है 11 साल पहले रिलीज हुआ, जिसका नाम था सब्ज परी लाल कबूतर। लाल कबूतर मैं तुहाडा टीवी खराब होना। लाल कबूतर केड़ा हुंदा है ए जेड़ा सब्ज परी लाल कबूतर